तो मेरे भाई, हमने बिग बिलियन डे सेल में मंगवाया था कैंडी का रेफ्रिजरेटर। और रेफ्रिजरेटर ये भाई, ये साइड बाय साइड वाला है। एक साइड इसकी फ्रीजर वाली होती है, एक साइड इसकी फ्रिज वाली होती है। बट इसमें सबसे बड़ी खूबी भाई जी ये है कि आप फ्रीजर को एज ए फ्रिज कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये भाई काफी सारे जो लो बजट की होती है ना रेफ्रिजरेटर, उनमें ये ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। बट भाई कैंडी में हमें ये सब देखने को मिल जाता है। अब सो घबराएं ना भाई, कैंडी और हायर जो है इंडिया में सेम ही सर्विस देते हैं। कहने का मतलब, अगर आपने कैंडी की कोई चीज मंगवाई तो आपको इंडिया में सर्विस हायर देगा। और बेसिकली ये बता देना चाहता हूं कि ये जो रेफ्रिजरेटर है ये 602-601 लीटर का है। ठीक है, और ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला है। और साथ ही साथ भाई इसका प्रॉपर रिव्यू आज बताने वाला हूँ कैसा दिखाई देता है। सो हमने पहले इसको अनबॉक्स कर लिया था और इसके भाई जी जो टेक्नीशियन थे वो भी हमारे यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। ठीक है, हमने इसको छत के ऊपर लेके जाना था, छत के ऊपर लेके जा चुके हैं। कम से कम भाई इसका एक क्विंटल भार था। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाने के लिए काफ़ी 6 बंदे की हमें ज़रूरत पड़ी। भी बता देना चाहता हूँ, जो भाई टेक्नीशियन जो आए थे है ना इसको इंस्टॉल करने के लिए, वो हायर की तरफ से आए थे। और जो मेरे को SMS आ रहे थे भी टेक्नीशियन विजिट करेगा, और जो मेरे को कॉल भी आई थी वो भी हायर की तरफ से आई थी। सो इसका मतलब ये है कि भाई अगर आप कैंडी ब्रांड का कोई भी रेफ्रिजरेटर लेते हो, कोई भी सामान लेते हो, तो आपको हायर सर्विस देता है, क्योंकि भाई इस कैंडी और हायर एक ही है इंडिया में। ठीक है, और बॉक्स में ज़्यादा कुछ देखने के लिए है नहीं है, वैसे मैंने आपको शो करवाया है। तो यहाँ से कुछ इस तरीके का है और यहाँ से कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे कुछ डिटेल्स हमें देखने को मिल रही है। सो भाई देख सकते हैं कि यहाँ पे हायर अप्लायंसेस लिखा गया है और न्यू दिल्ली से ये प्रोडक्ट आया है। बट हमको भाई लुधियाना से आया था। वैसे यार ये चाइना का प्रोडक्ट है, सीधी बात बता रहा हूँ। और ये टोटल कैपेसिटी इसकी 602 लीटर की है और शाइनी स्टील कलर है। ठीक है जी, और सबसे बड़ी बात कि ये देख लो, मैंने आपको बताया था 106 केजी का इसका टोटल भारी है। आओ अब चलते हैं रेफ्रिजरेटर के पास जहाँ पे हमने उसको इंस्टॉल किया है। सो मेरे भाई, फाइनली हमने अपने घर पे, मतलब कि हमने दूसरी मंजिल पे भाई इस कैंडी रेफ्रिजरेटर को इंस्टॉल किया है, रखा है, क्योंकि हम सेकेंड मंजिल के ऊपर रहते हैं। सो अगर भाई आप भी सेकेंड मंजिल में रहते हो तो आपको भाई इसको ऊपर लेके जाने के लिए कम से कम भाई 4 से 6 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपकी सीढ़ियों में रास्ता तंग वगैरह है तो मेरे भाई बाहर से अगर आप लेके आओगे ना तो आपको काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भारी बहुत है। तो अब आप देख रहे हैं इसके जो बाहर की जो पोजीशन कैसी देखने को मिलती है। सो आप इसका सामने से देख सकते हैं, इसके साइड से, इसकी बैक साइड देख सकते हो। ठीक है, ऊपर की बात करूं भाई, ऊपर से कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। अगर भाई इसकी मैं बात करूं ना, ये रेफ्रिजरेटर जो कैंडी वाला है, सो ये काफी बड़ा रेफ्रिजरेटर है। और भाई इसको आप अगर किसी जगह पे एक अगर लेके जाना है तो आपको इसको उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके नीचे भाई व्हील लगे हैं। ठीक है, आपको कहीं पे भी ले जाना है, इसको आप ऐसे धक्का मारोगे आराम से भाई आप लेके जा सकते हो। ठीक है, कहीं पे भी। और जैसे ही मान लो आपके घर पे ना डिलीवर होती है ये रेफ्रिजरेटर, तो आपको इसको 2 से 3 घंटे के लिए यूज़ नहीं करना होता है, बंद ही रखना पड़ता है। बट हाँ, अगर आपको इधर उधर करना है ज़रा सा तो आप आसानी से कर सकते हो। उसके लिए आपको इसको ऐसा नहीं है 3 घंटे के लिए फिर रेस्ट देनी है। बट हाँ, अगर इसको भाई आपको मतलब कि ज़्यादा ही टिल्ट किया है, मतलब ज़्यादा ही इसको उठाया है, तब भाई जी इसमें ज़रूरत पड़ती है 3 घंटे की रेस्ट के लिए। ठीक है, सो अगर हम बात करें, हमने सारा सामान वगैरह भाई इसमें रख लिया है। तो फाइनली भाई आप देख रहे हो कि सामने से तो मैंने आपको दिखाया ही है, हमने सामान वगैरह इसमें रख लिया है। सो यहाँ पे भाई जी आप देख पा रहे हो कि कुछ इस तरीके का इसका फ्रीजर वाला सिस्टम है। ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे आप आइस वगैरह यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आइस मतलब पानी रख सकते हो। ठीक है जी, और ऐसे करोगे तो ये आइस जो क्यूब है नीचे आ जाएगी और इसमें आ जाएगी, इसमें आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, और भाई ये है फ्रीजर बॉक्स। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो हमने दाल वगैरह रखी है, क्यों? क्योंकि हमने इसको एज ए फ्रीजर नहीं, एज ए फ्रिज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी एक बॉक्स दिया गया है जो काफ़ी
ठीक ठाक है, काफ़ी गहरा है, ऐसा नहीं है कि ये छोटा है बॉक्स। तो यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे ऐसी कुछ LED 1, 2, 3 वाली लगी है, मैजिक कूल लिखा गया है। और आगे बात करूँ, आप अपने हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हो, ऐसे नीचे, ऐसे इधर लगाना है, इधर लगाना है, कहीं पे भी लगाना है, इधर लगाना है, लगा सकते हो। ये भाई जो है ये ग्लास बड़ी हैवी ड्यूटी ग्लास है, ऐसे इतनी जल्दी ये जाने वाला नहीं है, ठीक है। अगर बात करूँ यहाँ पे, सो ये हमारा फ्रीजर था। ये भाई फ्रिज बोले तो कि इसमें आप जैसे नॉर्मल फ्रिज होती है वैसा ही होता है। यहाँ पे भी 1, 2, यहाँ पे 3, 4, ठीक है। और नीचे ये वाले बॉक्स हैं, ठीक है जी, ये देख सकते हो, ये काफ़ी बड़े बॉक्स हैं, फ्रीजर से ज़्यादा फ्रिज वाले बड़े बॉक्स हैं, ठीक है, इसमें भी, ठीक है। सो बड़ी फैमिली के लिए काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे ड्यू फ्रेश लिखा गया है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 LED यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी देख सकते हो, काफ़ी कुछ रख सकते हो यहाँ पे आप। ये भी है कुछ भी शरबत वगैरह, यहाँ पे आप एग ट्रे दी गई है, हमने एग भी रखे हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, जैसे फल फ्रूट यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी, मतलब जो भी जहाँ पे भी आपको रखना है रख सकते हो, ठीक है। कोई भी इसमें कहीं पे लिखा नहीं गया है कि आपको इस पे यही चीज़ रखनी है, बोतल ही रखनी है, ठीक है। सो ऐसा कुछ माजरा है इसका, आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा फ्रिज है भाई, मेरे फ्रेम में भी नहीं आ रहा है, ठीक। सो मेरे भाई सबसे पहले आप जहाँ पे देख रहे हो इसका फ्रंट जो पैनल है, ये सारा भाई टच पैनल है, ठीक है। यहाँ पे पहले इन्वर्टर टेक्नोलॉजी लिखा है, फ्रिज यहाँ पे इसका टेम्परेचर दिया है, फ्रीजर का टेम्परेचर दिया है, ऑटो सेट, पावर कूलिंग, टर्बो आइसिंग, 3 सेकेंड लॉक। ये इसके बारे में बताऊंगा कि 3 सेकेंड लॉक वाला सिस्टम ये क्या है। आप देख रहे हो कि इसमें लाइट अब कोई जल नहीं रही है, ठीक है। आपको मान लो फ्रिज का टेम्परेचर कंट्रोल करना है, ठीक है, तो आप नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि भाई जी यहाँ पे लॉक का साइन आ रहा है, आपको पहले लॉक अनलॉक करना पड़ेगा इसका, ठीक है। आपको 3 सेकेंड इसको प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पे लॉक वाला सिस्टम, एक ट्यून बजेगी अनलॉक हो जाएगा, फिर आप फ्रिज का टेम्परेचर यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। अगर ऑटो पे लगा होगा, डिफ़ॉल्ट ये ऑटो पे लगा आएगा, आपको 3 सेकेंड यहाँ पे प्रेस करना है। ओके, तो अब क्या है, ये ऑटो से हट गया है, ठीक है। सो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अब जो है टेम्परेचर आपका कंट्रोल होगा, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल होगा। अगर आप फ्रीजर का करना चाहें फ्रीजर का कर सकते हो, फ्रिज का करना चाहें तो फ्रिज का भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर फ्रिज का नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है कि हॉलीडे मोड के ऊपर गया है, ठीक है। सो आपको फिर हॉलीडे मोड को हटाना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ओके, तो इसको 3 सेकंड प्रेस किया तो हॉलीडे मोड जो सत्री आ रही थी वो भी ख़त्म हो गई, ठीक है। अब क्या है कि फ्रीजर को यहाँ से आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। तो कितनी तक यहाँ पे फ्रीजर माइनस तक जाता है, तो यहाँ पे काफ़ी चला जाएगा, 24 तक, -24 तक, आप -24 तक चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रिज को कंट्रोल करना यहाँ पे कर सकते हो जैसे मर्जी। और यहाँ पे लिखा है 3 सेकंड टू कन्वर्ट, यहाँ पे 3 सेकंड अगर आप इसको प्रेस करोगे ना, तो आप ना एज ए फ्रीजर को फ्रिज बना सकते हो, और फ्रिज को फ्रीजर बना सकते हो लेफ्ट वाले पोर्शन को, ये वाला जो छोटा पोर्शन है ये वाला, ठीक है। सो अब क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने प्रेस किया है, तो जैसे मर्जी भाई आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये मतलब फुल्ली कन्वर्टेबल है, यहाँ पे फ्रिज को जिससे जैसे मर्जी आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। ये आसानी से कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसान है भाई, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे अगर आपको पावर कूलिंग, जल्दी कूलिंग चाहिए तो आप इसको प्रेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसको प्रेस किया तो यहाँ पे लाइट जल जाएगी, ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ। अगर आपको टर्बो आइसिंग, मतलब कि जल्दी जल्दी आइस आपको अगर चाहिए, घर पे मेहमान वगैरह आए हैं, तो आपको टर्बो आइसिंग पे प्रेस कर देना है, और जो जो आपको ट्रे दी गई है यहाँ पे बर्फ़ जमेगी, वहाँ पे पानी भी डालना पड़ेगा, वैसे आइसिंग नहीं जमेगी, ठीक है। इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। सो कुछ इस तरीके का भाई रिव्यू है, बड़ा ही आसान है भाई इसको चलाना, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। कैंडी ब्रांड है, हायर ब्रांड, भाई सेम ही चीज़ है, आपको कोई भी ले लेना है, ठीक है। सो अगर आपके मन में कोई भी और डाउट है इसके रिलेटेड, तो मेरे को कमेंट में बता सकते हो। वैसे इसकी 1 साल की पूरे प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी है,
और 10 साल की कंप्रेशर के ऊपर है, ठीक है जी। और भाई ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। नॉइज़ ये ना के बराबरी करती है, थोड़ी आपको नॉइज़ देखने को मिलेगी तब जब आप रात में इसे मतलब ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। रात में थोड़ी सी नॉइज़ सुनेंगे क्योंकि रात में माहौल शांत होता है, दिन में आपको पता नहीं चलेगा कि आपका जो फ्रीजर है चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। सो बाकी भाई बिग बिलियन डे सेल में मैंने काफ़ी अच्छी प्राइस पे इसको बाय किया था, 50,000 रुपये, 47,000-48,000 के आसपास चल रहा है। 2,000 रुपये अगर आप कोई भी बैंक से UPI ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको लगभग 2,000 रुपये डिस्काउंट मिलेगा और लगभग 45,000 रुपये की आपको देखने को मिल जाएगी, जब 46 की, बट मैंने बिग बिलियन डे सेल में लिया था तो मेरे को भाई 42,500 की पड़ी थी। मेरे को और भी सस्ती पड़ सकती थी अगर भाई मैं एक कार्ड का यूज़ करता, जो कार्ड था भाई HDFC वाला डेबिट कार्ड, तो उस पर भाई 750 का मेरे को मिल रहा था डिस्काउंट, बट फिर मैंने मतलब मेरे पास था नहीं, मैंने वैसे ही UPI पेमेंट कर दी, तो मेरे को फिर भी 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। आशा रखता हूँ भाई आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कुछ पूछना चाहते हो कमेंट कर सकते हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली जाती रहेंगी। सब्सक्राइब कर लेना टेक पत्र यूट्यूब चैनल को। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।